जय श्री कृष्णा दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपको विंग का और कॉक्सकॉम लगाना सिखाऊंगा। देखिए कैसे लगाया जाता है। फूलों के बीज भी ऐसे ही लगते हैं, सेम प्रोसेस होता है। जिस प्रकार पिछली बार हमने जो ककड़ी का जो प्रोसेस किया था और जो खीरे का जो प्रोसेस किया था, सेम प्रोसेस होता है। देखिए फूलों के बीजों के बारे में बता देता हूँ। ये बीज हमने हमारे खुद से बनाए हुए बीज हैं। इस प्रकार के डब्बे में आपको बीजों को रखना ज्यादा सुरक्षित होता है। अब आपको कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस केवल इस तरह। ये देखिए मैं आपको बीज दिखाता हूँ। ये देखिए ये बीज हैं। इन बीजों को मैं अब आपके सामने लगा रहा हूँ। ये विंका के बीज हैं जो हमारे खुद के बनाए हुए हैं, ठीक है। अब इन बीजों को मैं आपके सामने लगा रहा हूँ। ये देखिए ये विंका के बीज हैं। अब इनको मैं धीरे धीरे सेम वही प्रोसेस से यहाँ पे मैं डाल दूंगा और इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं करूंगा कि और कुछ भी इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा आपको वर्क नहीं करना है, बिल्कुल भी कुछ भी। बस केवल इसी तरह बीजों को आपको डाल देना है। सेम इसी तरह से कुछ और बीज भी हम इसी तरह डाल देंगे। देखिए उसी तरह सेम, मैं कोई ज्यादा पॉलिथीन वगैरह यूज नहीं करता, इसी तरह कागज में ही मैं बीजों को रखता हूं। तो इसी तरह सेम आपको ये बीजों को ऐसे करके आपको बचाना होता है। इसी तरह सेम इन बीजों को आपको डाल देना है, ऐसे करके सेम। ज्यादा कुछ बड़ा प्रोसेस नहीं है इसका। ये अलग अलग में इसमें क्योंकि मुझे पता है कि इसमें कौन कौन सा कलर है, इसलिए इन्हें अलग अलग डब्बियों में मैंने डाल के रखा हुआ है। ये देखिए इस तरह से ये सेम बीज आपको ऐसे लगा देने हैं। ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है, बस इस तरह से आपको ये सेम बीज आपको लगा देने हैं और सेम वही प्रोसेस है। उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ऐसे ऐसे मिट्टी आपको बुरक देनी है, ज्यादा नहीं, बिल्कुल हल्की हल्की हल्के हल्के हाथों से। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आप बीज लगाएं तो शाम के वक्त लगाएं। शाम के वक्त जो जर्मिनेशन जो रेट होता है वो बीजों का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सीधी तीखी धूप इनको नहीं लग पाती और जिससे आपके बीज जल्दी उगते हैं और बढ़िया तरीके से उगते हैं। बस आपको इसी तरह करना है और इस तरह लगाने के बाद आपको इसमें पहले की तरह ही ऐसे पानी आपको दे देना स्प्रे से। सेम वही प्रोसेस है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल पहले की तरह जैसा ही प्रोसेस आपको करना है। धीरे धीरे करके ऐसे आपको पहले की तरह ही ऐसे आपको पानी देना है। ज्यादा तेज तरीके से आपको इसको पानी नहीं देना, गिरा के पानी या मग से या डब्बे से इस प्रकार इसमें पानी देना है, क्योंकि छोटे छोटे बीज होते हैं वो इधर उधर गिर जाते हैं जिसकी वजह से फिर वो जर्मिनेशन नहीं कर पाते। बस ऐसे धीरे धीरे ऊपर से आप जितना पानी दोगे उतना ही बीज ज्यादा स्टेबल होंगे, अच्छी तरह से व्यवस्थित हो जाएंगे और ज्यादा उनके जर्मिनेशन के चांस ज्यादा होते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके आपको उनको पानी देना है, बिल्कुल धीरे धीरे। ऐसे बिल्कुल धीरे धीरे आपको इसको पानी देना है और डेली पानी देना है। इनमें बिल्कुल मॉइस्चर बनाए रखना है, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है और गर्मी के टाइम में मॉइस्चर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। यदि मॉइस्चर खत्म हो गया तो आपका बीज खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए इनको ऐसे ही करके धीरे धीरे पानी देना है डेली। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि विंका है वो आपका 10 से 15 दिन ले लेता है जर्मिनेशन होने में। तो ज्यादा कुछ दिक्कत ना मानिए कि 4-5 दिन में नहीं निकला या हफ्ते में नहीं निकला, कम से कम विंका के लिए 15 दिन का आपको इंतजार करना होता है। चलो 15 दिन के बाद देखते हैं किसकी क्या अपडेट होती है। जय श्री कृष्ण दोस्तों आज 20 दिन के बाद हम एक बार फिर आपसे हाजिर हैं। हमने बताया था कि जैसे कि हमें सब्जियों का और फूलों का ये जो सीरीज है एक साथ शुरू करेंगे,
तो उसी के तहत हमने ये इसमें जो बीज लगाए थे कॉक्सकॉम्ब और विंका के, उसकी आप जर्मिनेशन देख सकते हो, आपके सामने ही है कि जर्मिनेशन कितनी अच्छी हुई है। और मुझे कुछ ज्यादा वीडियो की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई ज्यादा इस प्रकार कोई बड़ा कोई गार्डन है नहीं मेरा, जितनी मुझे जरूरत थी उतनी मुझे जर्मिनेशन मिल चुकी है। विंका को देखो, ये आप देख सकते हो अच्छी तरह से कि विंका को ये जर्मिनेट होने में बहुत टाइम लगता है, 15 से 20 दिन का समय लगता है, 20 दिन के बाद का ये समय है। इधर आप देख सकते हो ये कॉक्सकॉम्ब में तो दो दो पत्तियां भी आ चुकी है, 10 दिन के बाद ये लगाने योग्य हो जाएगा। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय